अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज चैप्टर 10 को, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे स्टेजेस ऑफ हीलिंग। एक्यूट सब एक्यूट स्टेज को हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेज ऑफ हीलिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक स्टेज ऑफ हीलिंग के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर इस चैप्टर में से कोई भी ऐसी क्यों आएगा तो वो इन्हीं स्टेज में से किसी की भी मैनेजमेंट आपसे पूछ लेंगे। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोनिक स्टेज बेसिकली क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रोनिक स्टेज है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ऑनसेट ऑफ इंजरी से लेके क्लिनिकली प्रेजेंट होने तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसे हमें आइडिया हो जाता है कि इधर ये एक्यूट है, सब एक्यूट है एंड क्रोनिक स्टेज है। तो अगर तो इन्फ्लेमेशन की स्टेज क्रोनिक है तो हमें पता चल जाएगा इसका क्या टाइम ड्यूरेशन होगा कि ग्रेटर देन 3 वीक्स। ठीक है, अगर पेशेंट क्लिनिकली प्रेजेंट हुआ है और इसकी इन्फ्लेमेशन को हुए हुए 3 वीक से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्रोनिक स्टेज है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्रोनिक स्टेज ऑफ हीलिंग की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हमने किस तरह मैनेज करना है। तो बेसिकली क्रोनिक स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि इसमें क्या हो रहा होगा कि इसमें मैच्योरेशन हो रही होगी। ठीक है, मैचुरेशन हो रही होगी स्कार टिश्यू की। ठीक है, जब स्कार टिश्यू मैच्योर हो रहा है तो इसका मतलब है कि जॉइंट्स के अंदर क्या हो रही है, अडियन फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अडियंस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि रेंज ऑफ मोशन जो होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, वो पेशेंट पूरी उसकी रेंजेस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अडियन फॉर्मेशन हो रही है। देन आ जाता है कि अब इसकी हमने मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस स्टेज के अंदर एक तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है स्कॉट टिश्यू, अडियन फॉर्मेशन, और उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो रही है। देन आ जाता है कि इस स्टेज के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है ना वो क्या होगी, बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है ना वो नहीं होगी स्टेज के अंदर, नो इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और जब हम असेसमेंट करेंगे पेशेंट की तो उसको सिंपली हम रेंज ऑफ मोशन जब करवाएंगे तो जो पेशेंट है उसको जो पेन फील होगी वो आफ्टर टिश्यू रेजिस्टेंस होगी, पेन आफ्टर टिश्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी बेसिकली ये क्लिनिकली साइन है जिसे हमें आइडिया हो जाता है कि ये क्रोनिक स्टेज है। ठीक है, तो जो पेशेंट को पेन फील होगी वो आफ्टर टिश्यू रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब हमारे गोल्स क्या हैं इस स्टेज के अंदर। ठीक है, हमने इस स्टेज के अंदर क्योंकि इन्फ्लेमेशन नहीं है तो अब हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी है। तो हम क्या करेंगे, हम एंड्योरेंस करवाएंगे, जो हमारा टारगेट है इसके अंदर जो एक्सरसाइजेस हमने करवानी है वो एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, ताकि जो स्कॉर टिश्यू है जिसने लिमिटेड की हुई है रेंज ऑफ मोशन वो मोबाइल हो सके। ठीक है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। तो हम एंड्योरेंस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे और पेशेंट को रिटर्न टू फंक्शन लाने के लिए, क्योंकि ये रिटर्न टू फंक्शन फेज है, तो हम रिटर्न टू फंक्शन लाने के लिए उसको एडीएल्स भी परफॉर्म करवाएंगे। तो ये बेसिकली आ जाते हैं हमारे गोल्स। देन अब हम आपसे जो पूछेंगे एसीक्यू में, इसकी मैनेजमेंट क्रोनिक स्टेज के अंदर हमने किस तरह पेशेंट को मैनेज करना है, तो देन हम इसकी कर लेते हैं मैनेजमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, प्लान ऑफ केयर आ जाएगा एंड हमने इंटरवेंशंस जो अप्लाई करनी है वो।
तो सबसे पहला जो टारगेट होता है हर मैनेजमेंट का, हमने एजुकेट करना होता है पेशेंट को, ताकि जो भी उसकी पैथोलॉजी चल रही है वो वर्सन ना हो। तो सबसे पहले हमने एजुकेट करना है पेशेंट को। इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो हम उसको सेफ मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे कि आइदर ये वाली मोशन करने से आपकी सिम्टम वर्स हो सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं, तो हम सेफ मैकेनिक्स उसको बताएंगे ताकि वो गलत पोजीशंस के अंदर एक्सरसाइजेस ना करे और उसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स ना हो। तो सबसे पहले हम उसको सेफ मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम नहीं एजुकेट करेंगे पेशेंट को तो पेशेंट गलत पोजीशनिंग के अंदर एक्सरसाइजेस करेगा तो जिसकी वजह से कंडीशन वर्सन हो जाएगी। और हमने उसको सेफ मैकेनिक्स बतानी है और हमने उसको होम एक्सरसाइजेस बतानी है, ठीक है, होम एक्सरसाइज प्लान करके बताना है। तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम उसको सेफ मैकेनिक्स के बारे में बताएं, ठीक है। देन आ जाती है कि हमने अर्गोनॉमिक काउंसलिंग करनी है इसके अंदर, ठीक है ना। मैंने ये आपको बात पहले बताई है एक्यूट के अंदर और ना ही सब एक्यूट के अंदर, लेकिन क्रोनिक स्टेज के अंदर हमने पेशेंट की अर्गोनॉमिक काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है। अर्गोनॉमिक काउंसलिंग का मतलब ये है कि उसके जो भी उसका प्रोफेशन है, जो भी वो जॉब करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके एनवायरनमेंट को प्लान करना है। आइदर तो वो अगर प्रोग्रामर है तो उसकी हमने चेयर की एर्गोनॉमिकली मॉडिफाई करना है ताकि उसकी जो बॉडी है उसके अंदर स्ट्रेसेस ना डेवलप हो सकें। तो एर्गोनॉमिक काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली हमने उसके एनवायरनमेंट को एर्गोनॉमिकली प्लान करना है। सॉफ्ट टिश्यू ज्वाइंट और मसल की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करवाएंगे, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और उसके अलावा मसल की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाएंगे। मसाज करवाएंगे। और जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन करवाएंगे। और सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे। और उसके अलावा हम करवा सकते हैं क्रॉस फाइबर मसाज, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे, क्रॉस फाइबर मसाज करवाएंगे, ज्वाइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन करवाएंगे, और मसल की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज और मसाज करवाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा गोल होगा, हमने इम्प्रूव करनी है स्ट्रेंथ को एंड एंड्योरेंस एंड न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, इसके लिए हम कंप्लेक्सिटी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। कंप्लेक्सिटी एक्सरसाइजेस का मतलब ये है कि हमने सब मैक्सिमल एक्सरसाइजेस से टुवर्ड मैक्सिमल एक्सरसाइजेस करवानी है जिसके अंदर मैक्सिमल इंटेंसिटी होगी, ठीक है। हमने लो रेपिटेशन से, ठीक है, एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए लोअर रेपिटेशन से हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, हम हायर रेपिटेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए हम सिंपल प्लेनर एक्सरसाइजेस से मल्टी प्लेनर एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। हमने कॉम्प्लेक्सिटी वाली एक्सरसाइजेस करवानी है। और उसके अलावा स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हमने कॉन्सेंट्रिक
एक्सरसाइजेज इनिशियली करवानी है, देन हमने प्रोग्रेस कर जाना है टूवर्ड कम्प्लेक्सिटी एक्सरसाइजेस की तरफ, तो हम एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा गोल होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्रोनिक स्टेज के अंदर, हमने कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइजेस आपने पढ़ी होगी एरोबिक वाले चैप्टर में। तो बेसिकली कौन सी होती हैं वो, स्विमिंग करवाएंगे, जॉगिंग करवाएंगे, ठीक है, साइकिलिंग होती है इसके अंदर। तो ये बेसिकली आ जाती है एरोबिक एक्सरसाइजेस। जो नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट गोल, क्योंकि इसके अंदर हमारा गोल है कि हमने रिटर्न टू फंक्शन लाना है पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर नो इन्फ्लेमेशन है स्टेज के अंदर, तो इसके लिए हम उसको ADLs परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड हम उसको फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं असिस्टिव डिवाइसेस को। ठीक है, इनिशियली हम असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, हम वॉकर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्रचेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की वेट बेरिंग हो सके प्रॉपरली, और उसके अलावा उसकी प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डिवेलप हो सके, और वो रिटर्न टू फंक्शन वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो ये बेसिकली हमारे गोल होते हैं क्रोनिक स्टेज के अंदर। आई होप सो कि आपको क्रोनिक स्टेज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आपके बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं इंशाल्लाह मैं उनको जल्द कवर करवाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।